नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। 2020 में आए कोरोना ने हर वर्ग के लोगों को परेशान किया। हालात ऐसे हो गए कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन तक लग गया था। जब पूरा देश बंद था तो फिर घूमने फिरने की परमिशन कैसे होती। उसके बाद धार्मिक स्थलों पर भी प्रतिबंध था तो भगवान भी मंदिरों में अकेले हो गए थे। लेकिन 2021 की शुरुआत से ही हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में बंद किया गया था गुजरात के अहमदाबाद का प्राचीन भद्रकाली माता का मंदिर। बता दें, अहमदाबाद का जाना माना प्राचीन भद्रकाली माता का मंदिर है और मंदिर बंद होने की वजह से यहां का मार्केट भी वीरान हो गया था। जहां रोज हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती थी, वो कोरोना संकट में वीरान बनकर रह गया था। लेकिन अब वहां रौनक है। एक बार फिर से वीरान लगने वाले भद्रकाली माता का मंदिर और भद्र मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। माता का मंदिर और मार्केट दोनों गुजरात में काफी लोकप्रिय हैं और वहां देश से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसी कड़ी में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम माता के मंदिर और मार्केट पहुंची और लोगों से बातचीत की। देखिए। जी हां, प्राचीन मंदिरों में से माना जाना जो गुजरात का प्राचीन मंदिर है जो दुनिया में प्रचलित है, ऐसा भद्रकाली माता का मंदिर, यहाँ पे जो माँ काली माता, जो माँ भगवती विराजमान है, यहाँ पे जो किला में कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, जो भद्रकाली किला के नाम से जाना जाता है, एक प्राचीन किला है वो यहाँ पे जो प्रख्यात है। लोग देखने के लिए यहाँ पे उमड़ उमड़ के आते हैं लोग। दूसरी यहाँ की जो खासियत है, यहाँ जो भद्रकाली माता के नाम से भद्रकाली मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे लोग गुजरात के कोने कोने से यहाँ पे खरीदी करने के लिए आते हैं। मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से दृश्य दिखा है कि जो भद्रकाली मार्केट है, एग्जैक्टली मंदिर के पीछे ही भद्रकाली मार्केट है। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके सभी बड़े बुजुर्ग तक के कपड़े से लेके घर में जितने भी चीज वस्तुओं की सामान की जरूरत है वो हर चीज यहाँ पे उपलब्ध है और काफी बड़ा मार्केट है। कोरोना काल के अंदर ये मार्केट टोटली बंद किया गया था, लेकिन फिलहाल कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों में जो डर था वो डर अभी निकल गया है और लोग उमड़ उमड़ के पूरे गुजरात और दुनिया से यहाँ पे खरीदी करने के लिए यहाँ पे उमड़ उमड़ के आते रहते हैं। जो मंदिर के प्रांगण में जो किंडर माता है, जो प्रीति रबारी जो माता जी है, मेरे साथ जुड़ गए हैं और मैं पूछना चाहूंगा जिस प्रकार से जो माँ भद्रकाली माता का जो महिमा है आप हमें बताएंगे। ये भद्रकाली माँ का महिमा ऐसा है कि शहर अहमदाबाद में अहमद शाह बादशाह ने ये मंदिर में माता जी की स्थापना की है और वो अहमद शाह बादशाह के वक्त की ये भद्रकाली माता जी इधर बैठाई हुई है और सब अहमदाबादियों की रक्षा करते हैं भद्रकाली माता। जिस प्रकार से माता जी बता रही है कि जो अहमद शाह बादशाह थे उन्होंने उनके जो शासन काल था उस वक्त ये माता जी का मंदिर का स्थापना किया गया था और उस वक्त से माँ भद्रकाली यहाँ पे प्रचलित और प्रचलित मंदिरों में से माना जाता है। उनका दूसरा कोई महिमा, कितने हर रोज भक्त लोग आते रहते, उनके बारे में कुछ बात बताएंगे। हर लोग भक्त, हर रोज भक्त आते हैं, माता जी की मन्नत मानते हैं, जो भी मन्नत मानते हैं वो माता जी मुरादें पूरी करती है और जो भी अहमदाबाद में रहने बाहर गाँव से आता है वो माता जी को शेर खिचड़ी माता जी को चढ़ाता है तो माता जी उनकी मनोकामना पूरी करती है और माता जी उनको रोटी पाने की कभी अगवड़ नहीं आने देती। ऐसा ये माता जी का पर्चा है। इस प्रकार से पूछा जाए, कोरोना काल चल रहा था, काफी लोग डरे हुए थे, सब जगह पे लॉकडाउन की यहाँ पे लॉकडाउन लग गया था पूरे गुजरात पूरी दुनिया में और यहाँ पे मंदिरें भी बंद थे, अभी मंदिरें भी खुल गए हैं, लॉकडाउन हट गया है, अनलॉक चल रहा है, वैक्सीन आ गई है, उनके बाद जो लोग मार्केट का महिमा भी बहुत सारा है यहाँ पे भद्रकाली मार्केट का, गुजरात के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं तो अभी मंदिर भी खुल गया है, क्या कहना चाहेंगे भक्त लोग का गशरा किस प्रकार से? भक्त लोग अभी कोरोना की महामारी से बार बार बचे हैं और ये माता रानी सबकी रक्षा करती है और कोरोना की वैक्सीन भी निकल गई, मोदी जी ने निकाल दी है तो अब माता रानी को ऐसे ही दुआ करते हैं कि अब ये वैक्सीन से कोरोना काल चला जाए और सब सुखी मंगल में रहे। काफी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो मोदी साहब हैं उन्होंने भारतवर्ष में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दो वैक्सीन भारत ने वैक्सीन को बनाया है और अभी जो वैक्सीन अभी सब जनता को दिया जा रहा है और जनता अभी खुश है क्योंकि कोरोना जो मरीज थे वो कम होते जा रहे हैं, कोरोना के मरीज अभी काफी संख्या में कम हो गए और लोग जो कोरोना का जो डर था वो दिल से निकल चुका है और लोग
मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए भी उमड़ उमड़ के आते हैं। यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट में भी खरीदी करने के लिए लोग काफी संख्या में उमड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से कोरोना का डर था और सभी में अभी कोरोना का डर दिखाई नहीं दे रहा है और काफी संख्या में यहाँ जो पहले नहीं आते थे अब उमड़ उमड़ के लोग आते हैं खरीदी करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से कोरोना अभी सभी में डर नहीं है? इसमें ऐसा है कि 7-8 महीने से शादियाँ वगैरह नहीं हुई, डर डर के जो भी कम एंजॉय होके शादियाँ हुई, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि अभी क्या लगन गाला सब चालू है, उसके वजह से खरीदी के लिए लोग उमड़ रहे हैं और पब्लिक में भी भीड़ अच्छी है। जिस प्रकार से कोरोना का डर था और वैक्सीन आ गई है, सब लोग को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, भारत सरकार का एक पहल है और 2 वैक्सीन यहाँ पे उपलब्ध है, किसी न किसी प्रकार से वैक्सीन देने के बाद सभी में जो डर था कोरोना का वो डर निकल चुका है और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई अभी कोरोना को हमने मात दे दिया है। इस प्रकार से लोग मार्केट में उमड़ उमड़ के आते हैं और काफी अच्छे और उल्लास के साथ, खुशी के साथ यहाँ पे खरीदी करते हुए दिखाई दे रहे, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिस प्रकार से कोरोना में आपका धंधा ठप हो गया था, अब पब्लिक आ रही है, अभी धंधा का क्या माहौल है वो बताएंगे? अभी धंधा व्यवस्थित ठीक ठाक चल रहा है, बाकी 7-8 महीने तो बहुत खराब निकाले, धंधे पानी जरा भी नहीं रहे, पब्लिक भी नहीं आ रही थी, वैक्सीन आ गई है उसके वजह से लोगों को डर क्या कम हो गया है, मगर तो भी लोग मास्क वगैरह पहन के चलते और खुद की सेफ्टी रखते है सब। यहाँ पथारे वाले जो भी है, धंधे वाले, वो भी मास्क लगा के ही धंधा करते हैं और सैनिटाइजर वगैरह सब यूज करते हैं। उनका कहना ऐसा है कि जिस प्रकार से कोरोना का डर निकल चुका है, लेकिन फिर भी जो मार्केट में खरीदी करने आते हैं वो लोग सैनिटाइज का यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करते हैं, अवश्य मास्क पहनते हैं और सभी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उनका मार्गदर्शन के हिसाब से ही कार्य करते रहते हैं और काफ़ी लोग उत्साह के साथ यहाँ पे मार्केट में आते हैं। मैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से प्रणोसी राजपूत, गुजरात। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।